Today is the first part of this message, and I'm looking at what are the things that you need to detest or stay away from in order to be a happy man. तो आज हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं जिसका शीर्षक है खुशहाल मनुष्य. हम आज सीखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आपने दूर रहना है और नफरत करनी है. Sisters, don't think that this does not apply to you. It applies to you being a happy woman as well. The happy man is used in the sense of gender-free usage. So it is for all, for children, for men, women, everyone, regardless of your age or sex, how God wants you to be a happy person. और ये जो संदेश है सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए, बहनों के लिए और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए है. Since the year 2002, the world certain organization have started a survey of finding out the happiness index of the world or the nations. और 2002 से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बात की खोज करने की शुरुआत की है कि क्या कारण है या कौन से जो मनुष्य है अलग अलग देशों में वो खुश रहते हैं. So since 2002 the world happiness report has used statistical analysis to determine the world's happiest nation. और ऐसी संस्थाओं ने तब से इस पे शिक्षा, इस पे खोज करके कुछ गिनती को नंबर को हमारे सामने लेकर आए हैं कि कितने लोग हैं जो खुश से रहते हैं. सो इन इट्स रिपोर्ट और द लेटेस्ट अपडेट फॉर 2021 द रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट फिनलैंड is the happiest country in the world. और उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की वो कह रहे हैं जो एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड, वो देश सबसे ज्यादा खुश है. So I went to find out what determines or what makes this nation the happiest nation on earth. तो मैंने खोजने का प्रयास किया कि ऐसी कौन सी बात है जो इस देश को इतना खुशहाल बनाती है. So the researchers analyzed the comprehensive Gallup polling data using 149 nations or countries for a period of 3 years. और यहाँ पर 139 देशों को इकट्ठा करके, उनकी खोज करके और उनका उनकी जानकारी को हासिल करने के बाद वो इस अनुमान तक पहुंचे कि फिनलैंड खुशहाल है. And they look at categories like gross domestic product per capita. और वो जो GDP जिसे हम कहते हैं कि एक एक देश का एक हर एक व्यक्ति की तनख्वाह या उसके पास कितना पैसा होता है खर्चने के लिए हर एक व्यक्ति के, ये उन्होंने जानकारी हासिल की. They look at the social support by the government or non-government agencies available for the citizens. तो उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी जानकारी से इस जानकारी को एकत्रित किया है कि हर एक मनुष्य के पास कितना पैसा होता है. Or healthy life expectancy, how long people live in that community. और दूसरी सूची में उन्होंने ये देखा कि उन लोगों की उम्र कितनी है उस खास उस समाज के अंदर. Another criteria they use is the freedom to make your own life choices. और दूसरे एक कुंजी बात का जो इस्तेमाल किया वो है कि कितनी आजादी है उन लोगों के पास कि वो अपने जीवन के लिए खुद चुनाव कर सकते हैं. Another component of that research is the generosity of the general population. और वहां पर जो एक और तरीका है जिसके कारण उन्होंने, जिसके द्वारा उन्होंने इस जानकारी तक पहुंचे कि कितने लोग उदारवादी हैं. Another criteria by which they analyze happiness index is looking at the level of corruption internally and externally within the country. और अगली बात जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया कि उस देश में भ्रष्टाचार कितना है, देश के बाहर से भी और देश के उनके अंदर भी. And so according to the survey, the least happiest country on earth in 2021 is Afghanistan. और इस सभी जानकारी के अनुसार इस समय 2021 में जो सबसे कम खुश देश है वो है अफगानिस्तान. And various reasons that we all know are kind of indicative of why they are the 149th country in the world on the happiness index. और ऐसे कई कारण हैं अफगानिस्तान के, कुछ से हम सभी भी वाकिफ हैं कि क्यों देश की सूची में सबसे आखिरी में अफगानिस्तान का नंबर आता है. Now you might be wondering where we all are placed as a nation of India. और आप सोच रहे हैं कि हम भारत के जो नागरिक हैं
हम कौन सी जगह पर आते हैं, कौन से नंबर पर आते हैं? How many of you like to see India become at least the top 5 or the top 10 happiest nation in the world? आप इसे कितने लोग चाहेंगे कम से कम भारत पहले 5 की सूची में या पहले 10 के सूची में तो आ ही जाए? That's my prayer, that's my hope, that's my dream for India. ये मेरा सपना है, मेरी आशा है भारत के लिए. That's why I came back to live in this country to contribute towards that happiness. इसलिए मैं इस देश में वापस आया ताकि मैं अपना भी कुछ हिस्सा खुश इस देश की खुशी में डाल सकूं. But you want to make a guess of where we are today? कि आप एक अनुमान लगाना चाहते हैं कि हम कहां पर है, हमारा नंबर कौन सा है इसमें? We are the 139th nation in the world. हम 139 हमारा नंबर है इस खुशी के पूरे सूची में. And I know that is not something that we can all be very proud of tonight, this morning. और मैं जानता हूं ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सब आज शायद इस पर गर्व करेंगे. And so I'm praying that somehow India will reach a place where people are more happy. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत उस जगह तक पहुंच पाए, उस स्तर तक पहुंच जाए जहां पर लोग खुश होंगे. But recently, you know, I've been listening to some songs on Spotify, and I came across, and I heard it before, but I came across a song written by Pharrell Williams. एक फेरल विलियम के नाम से एक जो गीतकार है उनका एक गीत मैंने स्पॉटिफाई जो एप्लीकेशन है फोन पे मैंने सुना, मैंने पहले भी सुना है लेकिन मैंने उसे दोबारा से सुना. He released this song in the year 2013 for the movie called The Despicable Me. और डेस्पिकल मी एक नाम की मूवी है, उसके लिए 2013 में उन्होंने इस गाने को लिखा था. And as I was listening to the song, I was captivated by the lyrics, so I went and looked up on the lyrics. और जब मैंने इस गीत को सुना, इसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया, तो उसके बोल क्या थे इस गीत के मैंने वो खोजे. That took me to seeing where it is featured on the YouTube, on the video. और उसके बाद वो जब मैंने उसको खोजा तो YouTube तक उसकी वीडियो तक वो मुझे लेकर गया. And I found out that more than 400 million people have watched or listened to this song. तो मैंने देखा 400 million से भी ज़्यादा जो लोग हैं, उन्होंने इस गीत को सुना है. And in the year 2013 and following, this was one of the number one song or hit in some of the most developed nations in the world, especially 19 nations in the world. This song was the number one on their chart list. और 2013 के बाद जब उसे लिखा गया और आने वाले सालों में भी तकरीबन 19 देशों में ये जो गीत था ये पहले पायदान पर बना रहा. And during this COVID lockdown period, once again, this song gained some popularity. और खासकर अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब बंद था, उन समय में इस गीत ने बहुत मशहूरियत हासिल करी. And I began to wonder why this became the most downloaded song, the most listened song, the most popular song that everybody likes to listen to. और मैंने यही सोचने का प्रयास किया कि इस गीत में ऐसा क्या है, क्यों सभी लोग इस गीत को डाउनलोड कर रहे हैं, इस गीत को सुनना चाह रहे हैं. And I realized that if you ask anybody on the street, what do you really want out of life? और मैंने यही इस बात का एहसास मुझे हुआ कि अगर आप रास्ते पर चलते भी किसी से ये बात पूछो कि जीवन में आपको क्या चाहिए, majority of the people will answer, I want to be happy. और ज्यादातर लोगों का उत्तर ये होगा कि मैं खुश रहना चाहता हूं या चाहती हूं. Everybody has a picture of what would bring them happiness or have some idea of what will make them happy. और सबके पास एक तस्वीर होती है कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे खुशी दे सकती है या जिससे मैं खुश हो सकता हूं. So when you say that I want to be, all I want in life is to be happy, then of course we are pursuing a path that will take us to that place of happiness in life. और जब हम ये कहते हैं कि जीवन में मुझे बस खुशी ही चाहिए, तब हम उसकी खोज में निकलते हैं, तो ऐसे ही रास्तों पर चलते हैं जो हमें वो खुशी को हासिल करवा सके. What do I have to do in order to get there so that I can be happy? तो मुझे क्या करना होगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं कि मैं खुश हो जाऊं? For some people, it's owning a Ferrari or a certain breed or brand of a car that they think is going to make them happy. कुछ लोगों के लिए उनकी मनपसंदीदा अगर वो गाड़ी को खरीद ले, चाहे वो फरारी है या कोई भी गाड़ी है, उससे उन्हें खुशी मिलती है. If only I had a house in Sector 9 in Chandigarh, I would be the happiest person. अगर मेरे पास चंडीगढ़ के VIP सेक्टर 9 में घर मुझे मिल जाए, तब मुझे खुशी मिलेगी. If I could marry that girl, I will be the happiest person. या मुझे अगर उस लड़की से विवाह करने का अवसर मिल जाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा. Or if I have that job, I will be a happy person. या मुझे उस तरह की नौकरी मिल जाए, तब मुझे खुशी मिल जाएगी. And people have all kinds of crazy ideas of what will
what they think will make them happy. और इससे लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं जो वो सोचते हैं कि किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है. And you can ask people who are married whether that has really made them happy and gave them all the happiness they want. और आप उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है कि क्या उन्हें शादी से खुशी मिली है, क्या यही सब कुछ वो चाहते थे. Or people who own a car or a house or a home in a certain place, if that has given them the happiness. या उन लोगों जिन्होंने एक खास गाड़ी खरीदी या खास जगह पर उन्होंने घर मकान को खरीदा, उनसे पूछे कि क्या आप खुश हैं? Or some people might be saying, "Oh, I wish I didn't marry that person. I would have been the most happiest person." और कई लोग ऐसे भी कहते हैं, अगर मैंने इस व्यक्ति से शादी ना करी होती, तब शायद मैं खुश रहता या रहती. And I hope it, you are not one of them. मैं आशा करता हूँ आप इनमें से एक नहीं हैं. But God has a lot to say about being happy or how you can reach the place of happiness in life. लेकिन परमेश्वर के पास बहुत सी बातें बताने के लिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं या उस स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां पर आपको खुशी मिले. And the things that God has for you is and nothing what the world has to tell you about how to be happy. और जो परमेश्वर के पास है आपको देने के लिए खुशी के लिए, वो संसार के पास बिल्कुल नहीं है. And that's exactly the reason why many people do not want to pursue the path that God has given for happiness. और यही एक खास कारण होता है, कई लोग परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर इसी कारण नहीं चलना चाहते. So we're going to look at Psalm number 1. तो आज हम भजन संहिता पहला अध्याय देखेंगे. This is the Spotify of God. ये परमेश्वर का वो बेहतरीन गीत है. And this is one of the most downloaded song in human history. और ये मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा पसंदीदा किया हुआ गीत है. A beautiful list, song list that God has prepared in His holy word. और अपने पवित्र कलाम में जो खूबसूरत गीत परमेश्वर ने रचा है. And in the chart of God's song list, Psalm number 1 not only is numerically position number 1, but it has been the hit number 1. Down through the centuries. तो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया ये गीत सिर्फ नंबर में ही एक नहीं है, ये वैसे भी पहले ही पायदान में परमेश्वर के द्वारा सौंपा हुआ एक बेहतरीन और सुंदर गीत है। Majority of the Christians around the world knows this song by heart. और ज्यादातर मसीह पूरे संसार में अगर बात करें, उन्हें ये जो भजन है ये ऐसे ही याद है. This psalm number 1 tells us how we can continually be happy or to be blessed every day. तो ये भजन संहिता का पहला जो भजन है ये हमें सिखाता है कि हर रोज हम प्रसन्न और खुश कैसे हो सकते हैं. The keys are packed into 6 verses. यहाँ पर जो कुंजी बातें हैं वो 6 आयतों में वचनों में लिखी गई हैं. The song begins with the word blessed. और ये भजन की शुरुआत ही होती है कि क्या ही धन्य है. And so this psalm is popularly known as the blessed psalm or the blessed psalmist. तो इस गीत song और तो इस गीत को धन्य गीत करके भी जाना पहचाना जाता है. So the word blessed in Hebrew is asher or ashrei. Means literally happiness or to be happy. और धन्य जो शब्द है इब्रानी भाषा में, जिसका वास्तविक मतलब है कि पूर्ण रीति से जब कोई मनुष्य खुश होता है. It is written in the plural sense of happiness. और यहाँ पर इसे जिस संदर्भ में लिखा गया है, इसे बहुतायत के संदर्भ में लिखा गया है. So it could be translated as, oh the joys, oh the happiness, or how very happy is the person. That's how it could be beginning. और इसके अनुवाद में इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जब कोई बहुत ही हद तक खुश होता है या हर रीति से हर एक पक्ष से जब कोई खुश होता है. This is God's way of being happy. ये परमेश्वर का तरीका है खुशी को जाहिर करने का. It does not say blessed is the king, blessed is the scholar, blessed is the rich man. It does not say that. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि धन्य होता है राजा या धन्य होता है महान लेखक, ऐसा नहीं है. It says blessed is the man. यहाँ लिखा धन्य है वह पुरुष. So this blessedness or this happiness is attainable not just for the rich and the affluent who are on the top of their Bollywood or Hollywood or politics or business, but it is for आम आदमी. और ये जो खुशी है, ये जो धन्य बात परमेश्वर ने की है, ये सिर्फ राजाओं के लिए या बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए या बड़ा जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए नहीं, ये साधारण पुरुष के लिए है. The poor, the forgotten, the obscure, for those whose names never figures in human history books. ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, ऐसे लोग हैं जो गुर्बत में जी रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम कोई जानता नहीं. Whose names are never trumpeted by or proclaimed by the fame, the book of fame, or those who are poor.
popular in life. ऐसे लोग जिनका नाम कभी मशहूरत में नहीं आता, जिसे जिन्हें लोग पहचानते भी नहीं, उनके लिए भी ये खुशी है. So contrary to the lies of what the devil is whispering into the ears of the many young people who are living in the society today. और जो शैतान जवान बच्चों के कानों में फुसफुसा रहा है आज के समय में, ये बिल्कुल उसके विपरीत है. That you can never be happy. वो कहते कि तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते. You will never be happy. तुम कभी खुश नहीं होगे. And that's what the devil is whispering into the ears of youngsters today. और आज के जवानों के कानों में शैतान इसी बात को बार-बार बोल रहा है. That's why most high school teenagers in Japan are committing suicide. और इसे जापान के देश में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो शायद हमारे मुकाबले 10वीं 12वीं के होंगे, वो आज आत्महत्या कर रहे हैं. Young people in China are so desperate. They're losing their way in life simply because of being a single child in home, put under so much of pressure, life that is revolving in the digital world with no human interaction. They're told, you will never make it in life, you will never be successful, you will never be happy. और चीन में भी यही हो रहा है कि वहाँ पर जो जवान है, जब वो परिवार में सिर्फ एकलौती संतान हो जाते हैं, तो वो तनाव में आ जाते हैं और इन्हें बार-बार कहा जाता है, तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो उसके अंदर दब जाते हैं. I see a lot of young people in our nation of India today with the same mindset in their thinking that they can never find happiness in anything. और हम अपने भारत देश में भी आजकल ये देख रहे हैं, जवान कई ऐसे हैं, वो अपने दिमाग में इस बात को घर कर लिए हैं कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता या नहीं हो सकती. Or there are some others who think that if I'm going to live for God, if I give my life to Jesus, then it is going to be the old religious life that I have to be so serious with a straight face. I can never enjoy the life. I got to be a very pious man who walk like a sadhu on the streets. और कई जवान जो मसीह जवान हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम मसीह बन जाते हैं या यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो मुझे तो एक तरह से मैं तो एक धर्म एक संत बन जाऊंगा. मैं आनंद नहीं मना सकता जिंदगी का, मैं खुश नहीं रह सकता, मुझे एक दिखावा करना होगा, ऐसा लोग सोचते हैं. So a lot of people think that following God and God's ways is a boring life. It is so dead and there is I cannot find happiness in the church. और उन्हें लगता है परमेश्वर के द्वारा बताए हुए जीवन के अनुसार अगर मैं जीवन व्यतीत करूंगा तो उसमें कोई मजा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा. In fact, David said to the Lord in Psalm 16, verse 11. और यहाँ तक कि दाऊद ने भजन संहिता 16 के 11 में परमेश्वर से ऐसे कहा. Psalm 16, verse 11, it says, "In your presence is fullness of joy." यहाँ लिखा है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. At thy right hand there are pleasures forevermore. और दाहिने हाथ में जो खुशी खुशी है वो सदा के लिए है. So David understood that you can truly have pleasures of life, enjoyment of life, and happiness in life with a very intimate relationship with God. दाऊद समझ गया था कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाने से ही सारा आनंद सारी खुशी आपको मिलती है. So as we study this psalm, we will recognize or we will understand and discover that to be happy means it depends on how we live and the choices we make in life. So jab hum is bhajan ko padhne ja rahe hain, hum yahan se seekhenge ki hamare zindagi ke jeevan ke kiye hue chunav kaise tay karte hain ki hum kitne khush honge. People can pursue happiness in all the various ways of this world that they want. Let me tell you, they will never find true happiness in nothing that the world has to offer. यहाँ लोग हैं वो हर तरह के जीवन में कोशिश कर सकते हैं, हर तरह का चुनाव को वो चुन सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इस आनंद की जो भरपूरी है इसे हासिल नहीं कर पाएंगे. Because happiness is never found in the direct pursuit of happiness. और इसलिए खुशी तब आपको नहीं मिलती जब आप खुशी के पीछे भागते हैं. It is the direct result of another pursuit. और लेकिन आपको खुशी तब मिलती है जब आप किसी और चीज के पीछे भागते हैं. That is the pursuit of God. वो है जब आप परमेश्वर के पीछे भागते हैं. All these things Jesus said, if you seek first the kingdom of God and his righteousness, all these things will be added to you.
परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता की अगर आप खोज करें, परमेश्वर की खोज करें, तब ये सब बातें आपको वैसे ही मिल जाएंगी। You want happiness? आपको खुशी चाहिए। You want to have a fun-filled life? आपको एक ऐसा जिंदगी चाहिए जिसमें खुशी भी हो, आनंद भी हो। You want to be a cool dude? आप चाहते हैं कि मैं बहुत बेहतरीन मनुष्य बन पाऊं। You can find that in an intimate relationship with God. आपको वो सब मिलेगा जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नजदीकी का होगा। So from God's point of view, there are two ways, and there is only two ways we can live our lives. परमेश्वर के वचन के अनुसार दो ही ऐसे तरीके हैं जब हम खुशी को हासिल कर सकते हैं। Two kinds of people in the world, and there is only two kinds of people in the world. और ऐसी दो ही तरह के लोग दुनिया में होते हैं। There are the righteous people, and then there are the wicked people. एक होता धर्मी व्यक्ति, एक होता अधर्मी व्यक्ति। You cannot be in the middle. आप बीच में कभी बने नहीं रह सकते। I cannot be a part-time righteous and part-time wicked. मैं कभी भी कुछ समय के लिए धर्मी और कुछ समय के लिए बुरा मनुष्य नहीं बन के रह सकता। Everyone in the world falls into either one of this category. हर एक मनुष्य इन दोनों में से एक ही सूची में ही आता है। Here in Psalm 1, David describes how the righteous live his life. भजन संहिता एक में दाऊद इस बात को बताता है कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति जीवन के व्यतीत करता है। And how, why they are happy in their life. और वो अपने जीवन में खुश क्यों रहते हैं? So it also shows us the end result of both the wicked life and the righteous life. और उसका अंत में परिणाम क्या निकलता है एक धर्मी जीवन का और अधर्मी जीवन का, उसकी व्याख्या भी ये वचन देता है। This morning, for the remaining few minutes, we are only going to look at verse 1. और कुछ समय जो अभी आगे कुछ समय हमारे पास है, हम पहली ही आयत को ध्यान देंगे। Psalm 1 verse 1. भजन संहिता एक उसका पहला वचन। Look at your scripture, look at the word this morning. आप प्रभु के वचन बाइबल को खोलें, उसमें देखें। And here we see three things that David is talking about that we must detest in order to find happiness. यहाँ पर ऐसी तीन बातें हैं जिसका जिक्र दाऊद कर रहा है, जिस तीन बातें जिससे हमने नफरत करनी है, जिससे हमने दूर रहना है। नंबर वन, पहली बात, verse 1, पहली आयत, says, oh how happy, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. यहाँ लिखा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। So happiness or the attitude or the posture of happiness is a person who understands that saying no or no is the first step or to the many S's that will come in a person's life. और एक खुशी क्या होती है उसको सही संदर्भ में वही मनुष्य समझ पाता है जो ऐसी बातों में ना कहने के योग्य है, जो ना कह सकता है, जिसको वरना शायद वो हाँ कहता। If you don't believe that saying no is part of becoming what you want to be, talk to an athlete. और अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते कि अगर मुझे किसी स्तर में पहुंचना, कुछ बातों को मुझे ना कहना आवश्यक है, तब आप किसी उस व्यक्ति से मिले जो एक एथलीट है, जो खेल करता है, खेल कूद में जो आगे है। My son David enjoyed his life till he was 19. और मेरे बेटे डेविड ने अपने उम्र का मजा लिया जब तक वह 19 साल का था। He ate what he wanted. जो वो खाना चाहता था उसने खाया। Ate how much he wanted. जितना खाना था खाया। He will come in and out of the kitchen at odd hours. वो बेतुके समय पर भी रसोई घर में जाता, फिर बाहर आता। But now he has started going to university. लेकिन अब वो महाविश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाना शुरू हो गया। And he saw his classmates and his friends and many of them are very fit and handsome looking hunks. और अब उसने जब अपने दोस्तों को देखा कक्षा में, वो सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल फिट हैं। I'm sure he came to the house after going to the school for a couple of days and looked in the mirror. और मुझे यकीन है वो घर आया होगा कुछ दिन कॉलेज में जाने के बाद, फिर खुद को शीशे के सामने देखा होगा। Suddenly the enlightenment came that we've been talking about for the past many years. Daddy has been telling this. और तभी उस ज्योति चमकी होगी दिमाग में, उसे याद आया होगा कि मेरा पिताजी तो कब से मुझे कुछ समझा रहे हैं। He never admitted that to this time. अब तक तो नहीं माना था उन्होंने। But I know the awareness have come. मैं जानता हूँ, लेकिन अब उनकी जो सोच है वो खुल चुकी है। Now if you see the diet of David, you'll be shocked. अगर अब आप उसका खान पान डेविड का देखोगे, आप अचंभे में हो जाओगे। He has the most healthiest diet in our home. हमारे घर में सबसे अच्छा खाना, स्वस्थ
स्वस्थ होने के लिए खाना डेविड खाता है. And I can buy chocolate, I can buy ice cream, I can buy soft drinks. It's always in the fridge. और अब मैं चाहे चॉकलेट खरीद कर लाऊं, आइसक्रीम खरीद कर लाऊं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद कर लाऊं, वो फ्रिज में ही रहती है. Saying no was the beginning of becoming yes to something in life. और जीवन में कुछ बनने के लिए ना कहना कभी कभार आवश्यक है. And I'm very proud of David, where he has reached and what his determination and his dedication and how he works out in the gym. I'm very happy with that. मैं डेविड के साथ मुझे गर्व महसूस होता, बहुत खुश हूँ जिस तरह से उसने अपने आप को एक सिद्धांतवादी पुरुष बनाया है और चीजों का वो ख्याल रखता है. And so David is saying there are certain things in life we must say no to in order to be happy. तो दाऊद भी यही कह रहा है, जीवन में ऐसी कई बातें हो जिसमें हमें ना कहना आवश्यक है. You see my friends, sin never stands still in our life. जो पाप है वो हमारे जीवन में एक जगह पर खड़ा नहीं रहता. Sin always wants to move around. Sin always wants to kind of, keep moving from this place to that place, trying to find some ways to enter and control our life. जो पाप है वो हमारे जीवन में कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से इधर, वो भटकता रहता है, वो खोजता रहता है कि इनके जीवन में मैं कहाँ हानि पहुँचाऊँ या कैसे अंदर में जा सकता हूँ. What starts as a casual contact leads on to increasing closeness and become a permanent association in life. जो शुरुआत में हमें लगता है कि एक ही तो मुलाकात है या एक ही बात कोई चीज की है, वो धीरे धीरे कैसे रोज की एक आदत बन जाती है, रोज के जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता. Eventually there is an increasing boldness of evil that is accompanied by a lowering of our own inhibitions of life. और जो पाप है वो धीरे धीरे इतना हमारे जीवन पर नियंत्रण कर लेता है, हमारा जो खुद का जीवन है, हमारा जो खुद का व्यक्तित्व है, वो उसके सामने भी छोटा पड़ जाता है. We start laughing with our friends on jokes that once we detested or we hated. हम उन मजाक की बातों पर हंसते हैं जिन पर कभी हम हंसा नहीं करते थे या जिनसे हम नफरत किया करते थे, ऐसी बातों पे अब हम लुत्फ उठाते हैं, मजा करते हैं. We compromise our values in ways we never would have thought possible. तो हमने कुछ ऐसी नैतिक बातों का मूल्य जिसे हम जानते थे उसे हमने ठुकरा कर अब अनैतिकता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए. We consent to things that would have greatly troubled us in the past. और हम अब ऐसी बातों में हाँ बोल देते हैं, हाँ ही भरते हैं कि मैं ऐसा करूंगा या वहां चलूंगा, जिसे पहले हम पूरे रीति से ठुकराते थे या मना करते थे. There are things in our life that you will one day realize, man, I'm a pastor. How did I land in this mess? और एक दिन आप इस बात का एहसास करते कि मैं तो एक पासवान हूं, मैं इस स्तर पर कैसे गिर गया? How did I reach here? मैं यहां तक आया भी कैसे? I never even realized that I landed in this place. मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उस जगह पर आ गया हूं. Let us be very clear on this point this morning. और इस पार्ट पर आइए हम सभी इस बात को बिल्कुल साफ कर लें. Blessing or happiness come not only from what we do. और आशीष और खुशी सिर्फ उससे नहीं आती कि हम क्या करते हैं. But it is also the byproduct of what we don't do. लेकिन ये उससे भी आता है जो हम नहीं करते. Blessed people or happy people avoid certain things. जो धन्य लोग होते हैं, जो खुश मिजाज लोग होते हैं प्रभु के, वो कई चीजों को मना करते हैं. They avoid certain people. वो कई लोगों से दूरी बनाए रखते हैं. They avoid certain situations. वो कई परिस्थितियों से दूरी बनाए रखते हैं. They don't go and hang out just anywhere. और वो कहीं पर भी यूं ही टहलने नहीं चले जाते. And they don't quickly buy into every line of thinking that is sold to you. और जो कुछ उन्हें झूठ बोला जाता हर चीज का वो नहीं मान लेते. And they are very careful not to join themselves in the company of those who do not love the Lord. और वो ऐसे लोगों की सहभागिता में नहीं हिस्सेदारी अपनी देते या उनके साथ उठते बैठते नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसकी बातों पर नहीं चलते. Let me ask you this question. मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं. Who is your best friend? आपका घनिष्ठ मित्र कौन है? Is your best friend is passionate about the Lord? क्या आपका जो घनिष्ठ मित्र, जो खास दोस्त है, क्या उसमें परमेश्वर के लिए जोश है? Is your best friend a worshipper of the Lord Jesus Christ? क्या आपका वो बेहतरीन दोस्त यीशु मसीह की आराधना करता है? Happiness is the byproduct of what we detest in life. और खुशी उससे भी मिलती है जिन कई बातों से हम जब मना करते हैं. Now here psalmist talks about
what those things are that he detested. तो यहाँ पर भजन लिखने वाला इन बातों का जिक्र करता है, कौन सी ऐसी बात है जिससे वो नफरत करता है. Number one, David says he does not walk in the counsel of the ungodly. और यहाँ पर दाऊद पहली आयत में कहता है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता. Counsel means to take advice of bad people. और इसका मतलब होता है कि जब आप बुरे लोग जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी सलाहों को मान लेते हैं और उनके अनुसार फिर कार्य करते हैं. Be careful who you go to seek advice. बड़ा ध्यान दे कि आप किस मनुष्य के पास जाते हैं किसी भी बात की सलाह लेने के लिए. Be careful who you listen to on a daily basis. ध्यान रहे कि हर रोज आप किस व्यक्ति के से बात 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 करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं. There are two quick ways to disaster. और ऐसे दो तरीके हैं जब हम इनसे दूर रह सकते हैं. नंबर वन, पहली, दैट यू डोंट टेक एनीवनस एडवाइस. पहली होती है कि हम किसी की भी सलाह ना लें. दैट्स अ बिग डिजास्टर. और ये बहुत खराब है. नंबर टू, दूसरा, द सेकंड डिजास्टर, और दूसरा जो वो भी तबाही का मार्ग है, यू टेक एवरीवनस एडवाइस. वो है कि आप सभी की सलाहों को मानते हैं. एवरीवन इज रनिंग योर लाइफ. हर कोई आपके जीवन को चलाता है. सो देयर आर सम पीपल हु आर ऑन दीस टू एक्सट्रीम्स. और ऐसे कई लोग होते हैं जो इन दोनों तरह के स्तर पर ऊंचे स्थान पर बैठे होते हैं. You know them very well because they are very isolated. They don't hang around in conversations. They isolate themselves. और आप ऐसे लोगों को जानते हो, खुद को अलग करके रखते हैं, सबसे किसी से ज्यादा बात नहीं करते. They take no one's advice. वो किसी की सलाह मानते ही नहीं, सुनते नहीं. Because they think they know it all. I'm all capable to handle my life. क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि मेरे में बहुत बुद्धि है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं. Don't tell me what to do. मुझे मत बताओ क्या करना है. I did not ask your advice. मैंने तुमसे सलाह मांगी ही नहीं. I will figure this out on my own. मैं अपने आप कोई मार्ग खोज लूंगा. After all, I have Google to go to if I need. मेरे पास इंटरनेट है, गूगल है, उसमें देख लूंगा कहाँ जाना है. That is not a healthy place to be. ये एक अच्छा स्थान नहीं है होने के लिए. But the second is also a disastrous one. दूसरा भी तबाही का ही मार्ग है. They take everyone's advice. वो सभी की सलाहों को मानते हैं. And you know what? आप जानते हैं क्या? Everyone has an opinion on how you must run your life. हर किसी के बाद एक बात होती है आपको बताने के लिए कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है. Somebody said, if you are trying to kill a cat and there are 20 people trying to kill a cat, the cat will never die. और किसी ने कहा कि अगर तुम्हें बिल्ली को मारना है और अगर 20 लोग हैं जिन्होंने उसी बिल्ली को मारना है, वो बिल्ली कभी मरती नहीं. Because cats are not easy to kill. If you have ever tried to kill one, you know it. और अगर आप ऐसी बिल्ली को मारना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं, उसे मारना आसान नहीं है. And so if there are 20 people, there are 20 different ideas. क्योंकि 20 लोग 20 दिमाग 20 विचार के साथ आएंगे. So detest bad advice. और बुरी सलाहों से दूर रहें. See the counsel of godly people. परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी सलाहें मांगे. Who have gone through experiences in life. जिन्होंने जीवन में अनुभव किया है. Talk to people who failed miserably in life and how God helped them to overcome. Talk to such people. ऐसे लोगों से बात करें जो अपने जीवन में बुरी तरह से असफल हो गए और परमेश्वर ने कैसे उन्हें उठाकर खड़ा किया. So not only walking in the counsel of the ungodly and taking the counsel. और सिर्फ यही नहीं कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, उनकी बातों को नहीं मानना. The next phrase says, nor does he stand in the path of sinners. और आगे लिखा, और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है. So detest bad associations. और इसलिए बुरे दो लोगों के साथ दोस्ती करना भी दूरी बनाए रखे. So first you are walking. पहला है कि आप दुष्ट के मार्गों पर चलते हैं. But now you started standing. अब आपने उनके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया. The word stand means to linger, to stay a while or later loiter around for a little longer. और खड़े रहने का मतलब यह होता है कि ऐसी सभा में जहां ये बुरे लोग बुरी युक्तियां कर रहे हैं, वहां कुछ ज्यादा समय के लिए आप समय बिताते हैं, वहां ज्यादा देर के लिए रुके रहते हैं. Let me say it in a very simple language. मैं साधारण भाषा में इसे बोलता हूं. If you walk in the footsteps of bad advice, अगर आप बुरी सलाह देने वाले के रास्ते पर चलते हैं, you will soon stand among those who gave advice. आप बिल्कुल उस तरह उनकी जगह पर खड़े होंगे जिन्होंने आपको सलाह दी थी. You will slow down to their pace. आप उन्हीं की रफ्तार की तरह अपने रफ्तार को बना लेंगे. So be careful who you hang out with. तो ध्यान दे कि आपकी दोस्ती किसके साथ है. Now these days, hang out does not mean physically hanging out. There are many platforms and ways through which you are constantly hanging out.
आप किसी के साथ मेल मिलाप करने का मतलब ये नहीं होता आजकल कि आप बाहर शारीरिक रूप से किसी के साथ घूम रहे हैं। आजकल बहुत तरीके हैं किसी के साथ भी समय बिताने के। Your Snapchat, your Instagram, your WhatsApp, your social media platforms are a hangout place. आप इंटरनेट पे फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बात कर सकते हैं। And that is your place of bad associations. और वो आपकी जगह फिर बन जाती है बुरी दोस्ती की। Paul said in 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा, Bad company corrupts good character. जो बुरी दोस्ती है, बुरा किसी के साथ मेल मिलाप करते हैं, वो अच्छे चरित्र को हानि पहुंचाता है। So you may have been raised by a wonderful parent with high moral values. हो सकता है कि आपका पालन पोषण एक अच्छे परिवार में हुआ हो, अच्छी नैतिक मूल्य बातें उन्होंने आपको दी हो। All the 15, 16, 17 or whatever number of years that you were groomed by the parents can all go down the drain within few weeks of association with some bad people. तो आपके माता-पिता ने जो अच्छी बातें आपको 15 साल, 16 साल, 17 साल तक आपका पालन पोषण किया, वो बातें बताकर वो कुछ हफ्तों में बर्बाद हो सकती है, नाश हो सकती है, अगर आपकी दोस्ती बुरे लोगों के साथ है। I can hear you now whispering in your mind, but Jesus hung out with sinners and Pharisees and all these people. अब हो सकता है अपने मस्तिष्क में, मैं सुन रहा हूँ, कई लोग बोल रहे होंगे, लेकिन यीशु ने तो पापियों के साथ दोस्ती की थी, उनके साथ उठा और बैठा था। You ask good question right now. आपके पास अगर ये प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। Let me answer you. मैं आपको उत्तर दे दूँ। You see, you do not win the loss by living like the lost. आप खोए हुए जो रूहे हैं उन्हें हासिल नहीं कर सकते अगर आप उनकी तरह कहीं जीवन जीना शुरू कर दें। You win the lost by loving the lost and living like a saved person. आप उन जो बुरे लोग हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं, खोए हुए आत्माओं को कैसे बचा सकते हैं, उनका दोस्ती रखकर, लेकिन इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करके जिसने उद्धार पाया है। If you adopt the lifestyle of those who do not know the Lord, अगर आप उन लोगों के जीवन की तरह अपना जीवन बना लेंगे जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, why should you have what they have? आपके पास वो चीजें क्यों हो जो उनके पास हैं? Why would they want to have what you have? या वो क्यों चाहेंगे कि जैसे आप हैं वैसे वे बने? If your life is same as them, अगर आपका जीवन बिल्कुल उन्हीं की तरह है, then there is nothing in you that they're going to say, I like to have this quality that you have. तो आपके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं रह जाती अगर हम उनके जैसे बन जाते हैं कि वो चाहें कि मुझे ये गुण इनसे चाहिए। Because you talk their language, you behave like them, there is nothing difference. क्योंकि आप उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी तरह का चाल चलन हो गया है, तो कुछ फर्क आप में और उन लोगों में नहीं रहा। 100 years ago, 100 साल पहले, our evangelical theologians and ancestors, और हमारे जो पूर्वज हैं, ये सुसमाचार प्रचारक हैं, they have given a wonderful solution to this problem. इस समस्या का उन्होंने हमें बेहतरीन उत्तर दिया। They said we are to be in the world but not of the world. उन्होंने कहा हमें संसार में तो रहना है लेकिन संसार के होकर नहीं रहना। That means we are to live among the lost. इसका मतलब है जो नाश हो रहे हैं हम उनके बीच में रहना तो है। Loving them, उनसे प्रेम रखना है। Befriending them, उनसे दोस्ती रखनी है। Calling for them, और उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे बात करनी है। At the same time, we are to live by an entirely different value system. और ऐसे सब उस करते हुए भी हमें किसी और ही मूल्य के अनुसार, किसी और गुणवत्ता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। So if you live with the combination of this truth backed by love, the agape love, it is going to be an irresistible force in the world. अगर आप इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे जहां भी आपका प्रेम है वो अगापे प्यार या बेशर्तीय प्रेम को दिखाता है, तब आप कामयाब होंगे। Listen very carefully. आप ध्यान से सुने। We cannot reach people by lowering our standards. हम लोगों तक खुद के स्तर को नीचे गिराकर कभी नहीं पहुंच सकते। Or compromising our values. या अपने नैतिक मूल्य को अगर आप भुला कर उन तक नहीं पहुंच सकते। Somebody said it's a good thing when the boat is in the water. किसने ऐसे कहा कि अच्छी बात है जब नाव पानी में होती है। But it's a bad thing when the water is inside the boat. लेकिन बुरी बात तब होती है जब पानी नाव के अंदर होता है। So detest bad association if you want to be a happy person. अगर आपको खुशनुमा पुरुष या नारी बनना है
तो बुरे लोगों के संगति से दूर रहे. And the third thing psalmist says, और तीसरी बार भजन लिखने वाला कहता है, Blessed is the man, or happy is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor he sits in the seat of the scornful of the mocker or the mockers. तीसरी बात भजन लिखने वाला कहता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है. This is a very, very popular seat to take these days. और खासकर आज के समय में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठते हैं. If you sit in the seat of the scorners or the mockers, especially those who are mocking the things of God. और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी जगह पर बैठते हैं, जो परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाते हैं या ठट्ठा करते हैं, you will be very popular. आप बहुत मशहूर हो जाएंगे. Otherwise, try starting some vlog or on your Instagram platforms or anywhere, things that really speak against God. और अगर आप ऐसी चीजों को आप Instagram पे या किसी Facebook पर ऐसी चीज का शुरुआत करें जो परमेश्वर की चीजों के उल्टा बोलती हो, अगर some of those videos, some of those stuff out there have like billions of viewers, billions of likes and followers. और ऐसी बातों को लोग लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं. That's what people want to hang out with these days. और ऐसे लोगों के साथ और लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं. So once again, just notice the slowing of the pace of your life into the most miserable man in life. और इस तरह से धीरे-धीरे कैसे आप अपने जीवन को नीचे के स्तर पर लाकर खुशी को छोड़कर बुरा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति बन जाता है जिसे खुशी कहीं हासिल नहीं हो रही. You are walking to your destiny. आप तो अपनी मंजिल की ओर ठीक ठाक बढ़ रहे थे. You are at a steady pace. और आप बिल्कुल सही रफ्तार से भी चल रहे थे. But then you slow down to kind of stand still, kind of hang around. और लेकिन आप थोड़ा रुक गए, मैं यहाँ पर इनके साथ थोड़ा समय बिता लूं. Now you're moving forward as now stuck. अब आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन रुक रुक कर. Now look at the third situation now. अब यहाँ तीसरी परिस्थिति को देखें. You're now not just standing around. अब आप सिर्फ उनके पास खड़े ही नहीं. Now you're sitting. अब आप उनके साथ बैठे हुए हैं. Now your movement stopped. अब आपका आगे बढ़ना रुक गया है. You stopped climbing the ladder of success. आपने सफलता की सीढ़ियां चलना रुक गए. Your momentum has stopped. आप जिस रफ्तार से चल रहे थे, जिस ताल से चल रहे थे, वो रुक गए. And that is exactly that has happened to people who have got stuck in addictive life and addictive behavior. और ये उन लोगों के साथ जरूर होता है जो ऐसे जीवन में जा चुके हैं जो किसी न किसी की लत पर लगा हुआ है. And so this is a position of influence. So ये वो स्थान है, वो स्तर है जहाँ पर प्रभाव पड़ता है. You have something to say. आपके पास कुछ है कहने को. And that is not good. और जो अच्छा नहीं है. And you are mocking and you are laughing and you are insulting the things of God. अब आप हंसी में उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हर उस बात का जिसका जिक्र परमेश्वर का वचन करता है. Let me submit to you the route that Peter the apostle took in his life. अब मैं आपको एक चीज आपको सौंप देता हूं, ऐसा मार्ग जिसका पत्रस ने इस्तेमाल किया. Peter was once a Paul, beautifully walking with the Lord Jesus. एक ऐसा समय था जब पत्रस मसीह यीशु प्रभु के साथ बिल्कुल सही चल रहा था. He was pursuing Jesus. वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था. But then Jesus got arrested. तब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया. Peter that night got himself in a courtyard, standing around, hanging around with the wrong people. तब जो पत्रस था वो एक उनके ऐसे ऐसी जगह पर चला गया जहां पर वो रोम के लोग थे, उनके साथ उसने बैठना उठना शुरू किया, उनके साथ रुक गया. Those people with whom that Peter was hanging around was not sympathetic towards Jesus at all. और वो लोग जिनके साथ पत्रस रुक गया था उनके मन में यीशु मसीह के लिए कोई दया भावना नहीं थी. What did that lead to? इस चीज ने किस चीज में पत्रस की अगुवाई करी. Eventually Peter decided, okay, let me just sit down with you guys. और ये पत्रस ने कहा, चलो कुछ क्षण मैं इन लोगों के साथ ही जरा बैठ जाता हूँ. The guy who was walking with Jesus, वो व्यक्ति जो एक समय यीशु के साथ चल रहा था, came to the courtyard and started hanging around. और उन लोगों के गलियारे में आया और दूसरे लोगों के साथ टहलना शुरू किया. Now he is sitting down with them, and not only sitting down with them, now plotting against Jesus. अब उनके साथ वो बैठ गया है और अब सिर्फ वो बैठ ही नहीं गया, अब वो यीशु के भी खिलाफ हो गया. Walking, चलना, standing, रुक जाना, खड़े होना, और sitting, और उसके बाद उनके साथ बैठ जाना. Let me ask you where you are today. मैं आपसे पूछता हूँ, आप आज कहाँ हैं? Are you walking?
क्या आप उनके साथ चल रहे हैं? Are you walking towards your destiny? क्या आप अपनी मंजिल की ओर जो प्रभु ने रखी है उस पर चल रहे हैं? Or something in this world have now caught you by your collar and is now making you by force to kind of hang around? या इस संसार में किसी चीज ने आपके आपको गले से पकड़ लिया है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आपको वही खड़ा कर लिया है? Or are you stranded and feeling suffocated? Now you're saying, I can't get out of this. Even if I want to, I'm unable. या आप ऐसा महसूस करें कि अब तो मैं फंस चुका हूं, मैं बाहर तो आना चाहता हूं लेकिन मैं इस परिस्थिति से, इन लोगों से, इस संगति से बाहर नहीं आ सकता. The blessed man, the happy man is the one who does not do certain things. और धन्य है वे व्यक्ति जो कुछ बातों को वो नहीं करता. There is a way he will not walk. और कुछ इस कुछ तरीका है जिस तरीके से वो नहीं चलेगा. There is a path that he will not stand. ऐसे कुछ मार्ग है जहां पर वो खड़ा नहीं होगा. And there is a seat that he will not sit. ऐसी एक जगह है, कुर्सी है जहां वो नहीं बैठेगा. So we can say these things speak of thinking, behaving and belonging. और ये बातें हमारे विचार, हमारा रवैया और हम किसके साथ मिलते जुलते हैं, इन तीन चीजों को दिखाती है. Thoughts, हमारे विचार, became behavior, आपका विचार आपका रवैया बन जाता है. Behavior became part of your lifestyle. और आपका रवैया आपके जीवन बिताने का एक रोज का हिस्सा हो जाता है. The righteous men and the ungodly men are different in how they think, how they behave and for whom they belong. जो धर्मी व्यक्ति है और जो अधर्मी व्यक्ति है वो दोनों अलग होते हैं. वो किस तरह की बात करते हैं, कहां पर वो बैठते हैं, किसके साथ और मेल मिलाप करते हैं. Let me close my words here today for this psalm, the most downloaded song in human history, and how it applies to us in the 21st century. और मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा इस ये जो भजन है जो मनुष्य की इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सुनने वाला गीत है. Some songs are evergreen songs, they say. और ऐसे कुछ लोग कहते हैं कुछ गीत होते हैं जो सदा के हैं, सदा बहार होते हैं. Bonnie M is one such song that you know people down through the century always remain a hit. Which song? Bonnie M. Bonnie M गीत है जो कि सदा सदा के लिए सदियों से जो चल रहा है. You know, but the scripture, I'm amazed at how this beautiful psalm, this beautiful song written by David, you know, years, ancient history behind it, and yet it is so relevant, it is so applicable for our current time. और यहाँ पर ये भजन दाऊद के द्वारा कितने ही सालों पहले मनुष्य के जो इतिहास है उसमें कहीं जाकर लिखा गया, लेकिन आज भी इसका प्रभाव वैसा ही है. As long as the world is what it is, और जब तक संसार जो है वैसा ही है, godliness must largely be negative. तो परमेश्वर की जो बात है इन चीजों के खिलाफ बिल्कुल नकारात्मक होनी चाहिए. Now you might say, Pastor James, that you are being too negative. अब वो आप सोच रहे हैं कि पासवान जेम्स आप बहुत नकारात्मक बोल रहे हैं. But that's what it takes. लेकिन कई बार ना की ही आवश्यकता होती है. At the very least, godliness in a sinful world will always involve separation from evil. और जो परमेश्वर की बातें हैं या जो धर्मी जन है वो हमेशा ही जाके चाहे ऊंचे स्थान पर चाहे नीचे स्तर पर वो अधर्म से दूरी बनाए रखता है. Godliness means separation from evil. परमेश्वर की बातें या धर्मी होने का मतलब है बुराई से दूरी बनाना. Now how that applies in your life is between you and your God. और अब ये बातें आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू होती हैं? वो आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध पर आधारित है. I can never make rules to make you detest evil. मैं आपके लिए नियम तय नहीं कर सकता कि आप इन बातों से नफरत करें. I tried. मैंने कोशिश की. For my own life. अपने खुद के जीवन के लिए. And for my children. और अपने बच्चों के लिए. I tried many rules. मैंने कई नियम बनाने की कोशिश की. And I realized the more rules I create, the more thick the rule book become, the more disobedient we become. और मैंने इस बात का एहसास कि जितने ज्यादा नियम हम लाते हैं, नियमों की किताब जितनी मोटी होती रहती है, उतने ही लोग बातों को नहीं मानते, अनज्ञाकारी हो जाते हैं. Until and unless I and you personally make a choice decision. जब तक मैं और आप खुद से व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का चुनाव नहीं करते. If we ignore these negative, अगर हम इन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, we will never get to the positive. तब हम कभी सकारात्मक बातों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे.